Watunia tabaki Maja pranishi ya pek Dibuye ni chakla Orafisakwe lukuri ya wikaya और इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। ऐसे चौधरी सुरजीत कुमार जी ज्ञानी श्री लखोवाल अजमेर सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर हमारे राज्य सरकार के मंत्री, श्री सुरेंद्र पाल जी मंत्री, श्री गुरुपाल सिंह जी ग्रेवाल, श्रोमणी अकाली दल श्री विष्णु भगवान जी डेलू जिलाध्यक्ष, श्रीमती निर्मला त्यागी, राकेश जुड़िया चेयरमैन नगर पालिका, अशोक गैरत, रमेश वर्मा चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। क्या कुछ दिनों पहले मनिलका की एक रैली को मुझे संबोधित करना था और दो घंटे आकर मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण चाहते हुए भी आप सबके बीच में नहीं पहुंच पाया। फैसला किया था कि मैं पहली बार नहीं पहुंच पाया हूं तो चाहे मौसम कितना भी खिलाफ क्यों रहो, मैं दूसरी बार मैं जरूर सनील का जाऊंगा और मैं आया हूं यहां तो केवल सभा को संबोधित करने के लिए ही नहीं, मैं आया हूं तो अपने चौधरी सुरजीत ज्ञानी के प्रति अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार करने के लिए आप सबके बीच में यहां पर आया। देर से आया हूं फिर भी आप लोगों ने यहां पर बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर, शाल पहनाकर, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर मंजिलका के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पंजाब के चुनाव की एक अहमियत है, आप सोचते होंगे विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, उसी प्रकार से पंजाब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव पर केवल भारत में रहने वाले लोगों की ही नजर नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले लोगों की नजर इस पंजाब विधानसभा के चुनाव पर लगी हुई है। क्योंकि 1984 के पहले जो कुछ भी था, जिस प्रकार के हालात इस पंजाब में पैदा हुए, बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से, अमन अमान के हालात इस पंजाब में पैदा हुए और ये अमन अमान के हालात पंजाब में बने रहने चाहिए, क्योंकि अब तक किसी राज्य में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी, अमन अमान के हालात नहीं रहेंगे, तब तक हम उस राज्य का जो विकास करना चाहते हैं वो विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता है। मैं आपके प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की झोली भरनी थी, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज आज भारत के इतिहास में वह पहला अवसर था जबकि 2014 में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में क्लियर मेजोरिटी हासिल हुई, इसके पहले किसी एक राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में क्लियर मेजोरिटी हासिल नहीं हुई थी, पहली बार क्लियर मेजोरिटी हासिल हुई। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जिस उम्मीद से, जिस हसरत से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल को लोकसभा के चुनाव में वोट किया था,
हमने उस हसरत को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उस हसरत को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश की। हमारा कोई विरोधी होगा वो यह कहेगा कि आपको इतना करना चाहिए था, आपने इतना किया और करना चाहिए था, कम किया अधिक किया, इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन पहले भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत ने दुनिया का कोई व्यक्ति भी सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई। और मेरे बहनों भाइयों भारत ही नहीं दुनिया का भी हमारे कमेडिया के मित्र बैठे कोई उठाकर नहीं कह सकता है कि ढाई वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारी सरकार पर लगा। यहां तक मीडिया में कोई किसी ने कभी लिखा तक नहीं, एक लाइन भी नहीं लिखा इस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में। और आज यहां पर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग बैठे होंगे, इस सच्चाई को नकार नहीं सकते। सारी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे और आपके देश की भारत की है। मेरे बहनों भाइयों ऐसे हालात पैदा हुए, कई योजनाएं चाहे किसान हो चाहे जवान हो चाहे माताएं बहने हो सबके बारे में कई योजनाएं केंद्र सरकार ने प्रारंभ की। मैं उन सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आप इस विधानसभा के चुनाव में विशेष रूप से यदि सोचते होंगे विचार करते होंगे इस पंजाबी सरकार ने क्या किया, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसने क्या किया। मैं जानता हूं कि बहुत लोग यह कहेंगे भाई शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार ने यह गलत किया यह गलत किया यह गलत किया। मैं कोई दावा नहीं करना चाहता लेकिन इस सच्चाई को मैं समझता हूं कि पंजाब की धरती यह जवानों को पैदा करने वाली धरती है और किसानों को पैदा करने वाली धरती है और वह जवान यह पंजाब की धरती पैदा करती है जो जवान अपने सीने का मटक खोलकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। जवान जहां हमारे भारत की सीमाओं की अपने सीने का मतलब खोल कर रक्षा करता है मेरे बहनों भाइयों, वहीं पर हमारा यह किसान और विशेष रूप से पंजाब के किसान ने भी भारत के स्वाभिमान की रक्षा की है क्योंकि अन्न के मामले में खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो हमारे पंजाब के किसान भाइयों का है। इसलिए मैं पंजाब के किसान भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि भारत का मानचित्र नक्शा उठाकर भी आप देखें तो केवल 1.5% का भाग ऐसा है जो पंजाब का आता है, लेकिन 1.5% उस मानचित्र पर पंजाब होने के बावजूद केंद्रीय भंडार में चावल के मामले में 40% से अधिक योगदान यदि किसी राज्य का है तो आपके राज्य पंजाब का है और गेहूं के मामले में 50% का योगदान इस हिंदुस्तान से किसी राज्य का है तो वह पंजाब का है। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल कुछ किया हो अथवा न किया लेकिन पंजाब की अहमियत को उन्होंने समझा और हिंदुस्तान का अकेला राज्य पंजाब है जहां के किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने का नाम सरदार प्रकाश सिंह जी प्रकाश हमारे विरोधी होंगे कहते होंगे कि कौन सा बड़ा काम कर दिया। मैं भाइयों देश के किसी राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मुहैया कराई जाती, यदि मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाती है तो केवल और केवल हिंदुस्तान के एक राज्य पंजाब में मुहैया कराई जाती। बहुत सारे गरीबों के लिए भी उन्होंने आटा देने का चावल देने का इन्हें बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उसमें बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन एक महत्वपूर्ण
घोषणा जो हमारे मुख्यमंत्री ने यहां के बादल साहब ने की है, मैं उसकी सराहना करता हूं, क्योंकि भारत सरकार में जब मैं कृषि मंत्री था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय मैंने एक योजना प्रारंभ की थी, कृषि आमदनी बीमा योजना, और बादल साहब ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अब मैं देख रहा था कि इनका जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र में उसी आमदनी योजना को जारी करने का फैसला उन्होंने किया है, और यह योजना लागू हो जाने के बाद मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, एक पाई का भी हमारे किसानों का चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे आग लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, कभी एक पैसे का नुकसान भी हमारे किसानों का नहीं होने पाएगा इस प्रकार की योजना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, बहुत ही अच्छी योजना, यानी रबी के लिए केवल 1.5% का प्रीमियम देकर, खरीफ के लिए केवल 2% का प्रीमियम, यानी 100 रुपए का बीमा कराना है तो आपको 1.5 रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार की फसल बीमा योजना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की, किसानों के लिए प्रारंभ की। कांग्रेस के लोग आज आपसे वोट मांगते हैं, मैं अपने पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि मेरी कोई बात गलत हो, मैं विनम्रतापूर्वक अपने प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता से झूठ बोल कर गए हैं, जनता को गुमराह करके गए, मैं इतनी गलती को स्वीकार करूंगा, क्योंकि जीवन में भी मैंने राजनीति की है, जनता की आंखों में भूल झोंक कर राजनीति नहीं की है बहनों भाइयों, जनता की आंखों में आत्मसात कर आजाद भारत के इतिहास में किसानों के वाकफियत के बारे में गंभीरतापूर्वक नीति सरकार ने विचार किया था, सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, उसी सरकार में कृषि मंत्री था, उसी सरकार में मैं कृषि मंत्री था, किसान क्रेडिट कार्ड किस सरकार ने जारी किया, और आजाद भारत के इतिहास में कृषि ऋण पर, एग्रीकल्चरल लोन पर ब्याज दर कम कराने का फैसले के संबंध में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की इजाजत लेकर मैंने पहल की थी बहनों भाइयों, तब जाकर किसानों पर के कर्ज पर ब्याज दर कम हुआ। ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए, मैं बार बार कहता हूं लोगों को कि इस खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भारत यदि बना है तो उसमें सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है तो हमारे पंजाब के किसान भाइयों का योगदान है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस पंजाब को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में ही नहीं मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भी आपको यह बदनाम करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर कि पंजाब का नौजवान ड्रग लेता है, नशा करता है। मैं ऐसे कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं और आपके लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या केवल पंजाब का नौजवान ही ड्रग लेता है? ड्रग लेना कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी लत किसी को भी लग सकती है, लेकिन सारे के सारे पंजाब के जवानों को, पंजाब की जवानी को आप बदनाम कर रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जरूर इस मामले में गड़बड़ करता है, और मैं आज आपको गृहमंत्री के रूप में यकीन दिलाने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाई, इस बार केवल हमारी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की सरकार बना लो, बड़ी से बड़ी ताकत क्यों न होगी, मैं वचन लेकर आपको जा रहा हूं, जो ड्रग को इस पंजाब में बढ़ावा देने की कोशिश करेगा मैं उसकी खाद खड़ी कर दूंगा, मैं आपको
مجھے کوئی روک نہیں سکتا, چاہے جتنا بھی بڑا کوئی آدمی ہو. اور دوسری انوروھ کرنا چاہتا ہوں سامانک سنستھاؤں کے لیے آگے آئیں, جن نوجوانوں کو یہ لت بری لت لگ گئی ہے اسے سدھارنے کے لیے پہل ہونی چاہیے. بدنام کر دیا اسے راجیہ کے نوجوانوں کو بدنام کرو, اس کے بعد میں ہمارا یہ نوجوان چپی کا پھر بیٹھا رہے گا. بہنوں بھائیوں یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہمارا پڑوسی ہے کیا کر رہا ہے بھارت کے ساتھ, وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. برابر طرح طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ستمبر کے مہینے میں میں پاکستان گیا تھا, آپ لوگوں نے دیکھا تھا ٹیلی ویژن وغیرہ کپڑا اڑا تھا کہ نہیں, کسی نے نہیں دیکھا تھا. دیکھا تھا آپ لوگوں نے, پیچھے کے لوگوں نے دیکھا تھا کسی نے دیکھا تھا. بہن بھائیوں میں نہیں جانے والا, میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. ہمارے ادھیکاریوں نے پوچھا کہا کیوں نہیں جائیں گے, اگر میں نے کہا میں اپنے راجیہ منتری کو بھیج دوں گا بھاشن پڑھ اوڑھ دیں گے ہو جائے گا. اب تک مجھے جانکاری ملی کہ وہاں کے آتنکوادی بھارت سرکار کا ورودھ کر رہے ہیں, ہمارے خلاف کاری بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہاں کے گرہ منتری آئے تو ہم لوگ ان کا ورودھ کریں گے, ان کو سمیلن میں بھاگ نہیں لینے دیں گے, ان کو ہم بھارت واپس کر دیں گے. تب تو میرا من ہوا بہنوں بھائی, تو میرا بھی خون گرم ہو گیا, میرا بھی گرم. تب میں نے ادھیکاریوں کو کہا کہ ہمارے راجیہ منتری نہیں جائیں گے, جانا ہوگا تو پاکستان کی دھرتی پر میں خود جاؤں گا. اور وہی پاکستان کی دھرتی پر جا کر, پاکستان کی دھرتی کی چھاتی پر کھڑے ہو کر میں نے کہا آتنکواد بند کرو. یعنی آتنکواد کا سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا, اس کا خامیہ یا تمہیں بھگتنا پڑے گا. بھارت اپنا میور بھارت نہیں رہا ہے میرے بہنوں بھائی. اوری میں ہمارے سینا کے جوانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا دیکھا, ہمارے پردھان منتری کو کیسا فیصلہ کیا, ساہسی ویکتی جس کا کلیجا مضبوط ہوگا شیر کی طرح ہوگا وہی فیصلہ لے سکتا ہے. میں بہت وستار میں چرچا نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم نے دنیا کو یہ سندیش دے دیا ہے جو ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا کیا خامیاں یا اس کو بھگتنا پڑے گا. ہم نے سندیش دے دیا ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں, لیکن وہی ہمیں چھیڑے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور یہی سندیش دے دیا ہم کیول اس پار ہی نہیں مار سکتے, ہم اس پار بھی مار سکتے ہیں اور اس پار بھی مار سکتے ہیں. ہماری سرکار آپ کا مستق نہیں جھکنے دیں گی میرے بہنوں بھائیوں, نہیں جھکنے دیں گے. میں پنجاب کے نوجوانوں سے اپیل کرنے آیا ہوں ساتھ کھڑے ہو جائیں, جو بھی کمیاں رہی ہوں گی پچھلی سرکار ان کمیوں کو پورا کریں گے. اور کانگریس تو ڈوبتی ہوئی جہاز ہے میرے دوستوں, کانگریس تو ڈوبتی ہوئی جہاز ہے. اور کیپٹن صاحب کی کیا میں بہت عزت کرنا ہوں, اور اسے کیپٹن صاحب کو میں سجھاؤ دینا چاہتا ہوں, کیپٹن صاحب ڈوبتی جہاز کی کپتانی بہت کٹھن ہوتی ہے. ڈوبتی ہوئی جہاز کی کپتانی بہت کٹھن ہوتی ہے. اب ساحل ہندوستان میں کانگریس ڈوب رہی ہے اور یہاں کے ابھرنے کی سے نہیں کری. اب ووٹ مانگ رہے ہیں سرکار بنانا چاہتے ہیں, اور ایک نئی پارٹی ہے یہ آپ بتا رہی ہے.
मैंने वो आप ऐसी पार्टी है जो अपने साइज से कुछ ज्यादा माना चाहिए। अभी दिल्ली में क्या है, मैं तो प्रेस के दोस्तों से कहूंगा आप जाकर देख लीजिए कैसी सरकार चला रहे, जाकर देख लीजिए। जो यहां से छोटे राज्य दिल्ली इस सरकार नहीं चला पा रहा है वो पंजाब को क्या चलाएगा? जो पंजाब को वही चला सकता है जो कि पंजाबी अपनी आन बान शान को समझता हो वही चला सकता है और कोई दूसरा नहीं। आज वो लोग भी भारत साहब की आलोचना करते हैं। तो भाई हर इंसान में कमियां भी होती हैं अच्छाइयां भी होती हैं, और यहां तक कि उनके साथ जिस प्रकार का सलूक एक अखबार पर हुआ है सचमुच मुझे बेहद तकलीफ हो रही है। कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंकने, कोई किसी के ऊपर जूता फेंकने, क्या यही इंसान है? और मुझे उसे बेहद पीड़ा हुई, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, हमारा बड़ा से बड़ा विरोधी क्यों न हो, लेकिन हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि भगवान राम की पूजा होती है इसीलिए भगवान राम की पूजा होती है, जीवन में बराबर उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, मर्यादाओं को कभी भगवान राम ने तोड़ा नहीं है, इसीलिए भगवान राम की पूजा होती है। क्या लोगों को यह मंजूर है कि प्रकाश सिंह जी बादल के ऊपर कोई जूता फेंके, कोई पत्थर फेंके? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, 85 साल से लिखे बुजुर्ग भारतीय राजनीति में पंजाब में किसी राजनीतिज्ञ का नाम जाना जाता है उस राजनीतिज्ञ का नाम है सरदार प्रकाश सिंह बादल। सरदार प्रकाश सिंह बादल इस उम्र में कम से कम इतना तो नहीं करना चाहिए, आप उनको हरा दीजिए, आप उनको जो कुछ भी करना हो कर दीजिए, इस प्रकार की हरकत करेंगे और ऐसे लोग सरकार चलाएंगे जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सकते, जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, वो सरकार चलाएंगे। भाइयों मुझे बेहद पीड़ा हुई, इस धरती पर कोई देवता बन कर नहीं आया, कमियां सबके अंदर हो, लेकिन आज हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में सरदार प्रकाश सिंह की बात है। गल है क्या यह सच नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो विनम्रता शालीनता उनकी पराकाष्ठा की, क्या आप लोगों के दिल को जो नहीं पहुंचती? मैं पूरी पंजाब की जनता को इस सभा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो भी बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई है भाइयों, स्वयं हमारी दिल्ली की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हम सब सारे लोग स्टैंड लेंगे, उसके लिए हम उसको दूर करेंगे और जनता और पंजाब का विकास करेंगे। आप ये कहेंगे कि आप दिल्ली में बैठकर आप पंजाब के विकास की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं, यह पंजाब गुरुओं की धरती है, गुरुओं की धरती है, गुरु नानक की धरती है, बंदावा बैरागी की धरती, बहादुर की धरती है, गुरु नानक देव की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, महाराजा रणजीत सिंह जी की धरती है, गुरुओं की धरती है। बिना गुरुओं की धरती का विकास हुए भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता, इस सच्चाई को हम समझते हैं। और यहां जितने नौजवान मौजूद हैं, मैं सबसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं पंजाब के कोने कोने तक जाइए, और जो भी हमारे पंजाब के नौजवान मेरा भाषण सुन रहे हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, आप मिलना, हमसे मिलना, ड्रग को जो बढ़ावा दे रहा हो आप मुझसे मिलना, आप मुझसे बताना, मैं उनकी खास करूंगा, चाहे कोई भी रोड़ा बनने की कोशिश करेगा मैं सुनूंगा। लेकिन जिस तरीके की हरकत किया है लोगों ने, मैं
हेलो भाइयों, माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं यही आप सबसे अपील करना चाहूं, और इस बार ये घोषणा पत्र में बहुत सारे बातें जो इस बार कही गई हैं, और यहां तो मैं सुशील कुमार जानी को मैं सचमुच बधाई देना चाहता हूं। मैं देख रहा था इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम में 6 करोड़ 3 लाख रुपए लगा, पूरी लाइन में 8 करोड़ लगा, मेन गेट 1.34 भारत पाकिस्तान बॉर्डर 34 लाख 35 लाख, और रेलवे हुआ 25 करोड़, सामुदायिक भवन 15 करोड़, घंटाघर भी बन गया, उंगल में हाथ हो गया 25 लाख, कैंसर हॉस्पिटल बन गया 45 करोड़ 3 लाख। क्या करोड़ रुपया बताओ, इतने दिनों तक कांग्रेस ने हुकूमत की है, क्या लागत बनी आपको दिया है? मैं आपको यह जानना चाहूंगा, क्या लागत बनी आपको दिया? इसलिए मैं भाइयों, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं, पंजाब को एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और मुझे मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा, मैं देख रहा था घोषणा पत्र, हर परिवार को रोजगार देने का वादा किया, हर गरीब को घर देगी सरकार, और नीला कार्ड धारकों को मिलेगा हर माह 2 किलो देसी घी व 5 किलो चीनी। जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की, उन्होंने कहा केवल चावल से काम नहीं चलेगा, केवल गेहूं से काम नहीं चलेगा, केवल चीनी से काम नहीं चलेगा, हमारा पंजाब का नौजवान ताकतवर जवान होना चाहिए जो कि भारत की सीमाओं की रक्षा कर सके, किसी भी मुसीबत को चुनौती के रूप में स्वीकार कर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए फैसला किया कि नहीं, हम 2 किलो घी भी देंगे। ये दुनिया की किसी सरकार ने फैसला किया ही नहीं होगा। यह देखिए दिल के भाव की बात है कि हमारा जवान कमजोर नहीं होना चाहिए, उसे घी भी नहीं। चौधरी सुजीत कुमार जानी, अब बताइए, अब ऐसी सरकार, मैं अपनी बहनों से माताओं से पूछना चाहता हूं, बहनों से, क्या ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए? आप बतलाओ, बननी चाहिए कि नहीं? देखिए सारी बहनें तालियां बजाती सारी बहनें, और मैं आपसे कहता हूं इन बहनों के स्वागत पे सारे लोग एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। और यहां तक नहीं, देखिए हर चीज का ध्यान रखा है। अब इन्होंने चप्पड़ चौकी में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक बनवाया, हरमिंदर साहब कॉम्प्लेक्स का सुंदरीकरण कराया, आनंदपुर साहिब से विरासत ए खालसा का निर्माण कराया। क्यों? क्योंकि पंजाब के लोगों की जो सिख गुरुओं की एक परंपरा रही है, सिख इस धर्म की जो परंपरा रही है उसको माने, उसको समझे, इस कारण किया। अच्छा इतने नहीं, गरीब परिवारों की बेटियों के लिए यदि पीएचडी करना चाहती हैं, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहती हैं, तो सारा का सारा पैसा सरकार देगी। और पूर्व सैनिकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। और मेरे पत्रकार मित्र बैठे हैं, आप लोगों के लिए ग्रुप हाउसिंग स्कीम लागू की जाएगी, यह भी इसमें वादा है। और हमारा कोई गरीब नौजवान यदि विदेश में पढ़ाई करना चाहेगा तो उसे 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। श्री राम गांधी, इतनी सारी योजनाएं जिसके दिमाग में है, तो जो पंजाब का विकास सोचता होगा उसी के दिमाग में होगी। असुरेश यानी के बारे में तो मुझे कहने ही, देखिए इनको भी दाढ़ी है, दाढ़ी है, वहां भी है। अब देखिए इसी का जमाना है, इसी का जमाना हमारे प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी, तो
तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आश्वस्त होकर जाऊं कि आप सुरेश ज्ञानी को जिता देंगे। ऐसे नहीं, एक बार ये मीडिया के लोग हैं, एक बार खड़े होकर तालियां बजाते हुए बता दीजिए हम करें। इजाजत हो तो मैं ज्ञानी जी से एक वादा करा लूं। कराने वाला ज्ञानी जी से मैं यह वादा कराना चाहता हूं कि ज्ञानी जी, अब जनता ने भी हाथ उठाकर कह दिया कि आप जीतेंगे, तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन ज्ञानी जी को एक यह वादा करना पड़ेगा, चुनाव जीतने के बाद एक बार मुझे फिर से यहां फजिलका वह बुलाएंगे। वादा किया, वादा कर लिया इन्होंने। और मेरे बहनों भाइयों, सुरेश कुमार ज्ञानी के जीतने के बाद यदि मैं फजिलका की धरती पर आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत श्री राजनाथ सिंह।